एक आंख में आप काजल लगाइएगा, एक आंख में आप सुरमा लगाइएगा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? इस चैनल के माध्यम से आपसे विनती है सर, आप तमाम जितना भी हैं कैंडिडेट, आप सबको कीजिए और सबको हर हाल में करना होगा, नहीं तो इच्छा मृत्यु हम लोग चाहते हैं, आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए। 1932 का खतियान है ना, 1932 का खतियान का हम लोग हैं, हम लोग से बेहतर वो लोग जानते हैं कि इन लोगों के साथ में हम लोग न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। और ऊपर वाला किसी ना किसी दिन हिदायत देंगे उन लोगों को, तो हम लोग की बात समझ में आएगी। अभी तो हम लोग हक का मांग कर रहे हैं, लेकिन जो भी गलती हुआ विभाग की तरफ से गलती हुआ, तो उसका खामियाजा हमको नहीं चाहिए। नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर फरियादियों की लाइन लगी रहती है और सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये विश्वास आखिर कहां से आया है राज्य के लोगों में और अलग अलग विभागों के लोगों में कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दरअसल बीते कुछ समय से मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को लेकर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर और दूसरे अन्य विभाग के अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरह से मैराथन फैसले लिए हैं, उससे ही शायद उम्मीद जगी है। इस वक्त भी हम मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने वाली एक सड़क पर हैं और सड़क के किनारे ये लोग जो खड़े हैं, ये लोग होमगार्ड अभ्यर्थी हैं और ये लोग आज अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। चूंकि आज एक अहम बैठक मुख्यमंत्री की चल रही है, तो इन्हें आवास में अंदर जाने नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री से मुलाकात इनकी नहीं हो पाई है। तो हम ये समझना इन लोगों से चाहते हैं कि इनकी मांग क्या है, क्या समस्या हुई और आज ये लोग मुलाकात करके क्या कहने वाले थे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग इटकी प्रखंड से आए हैं, होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग का मांग है कि सीएम सर से कि हम लोग को भी प्रशिक्षण में शामिल किया जाए दो प्रखंड को। काहे कि हम लोग का सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, तो हम लोग को जब प्रशिक्षण आया तो इस समय दो प्रखंड को निरस्त कर देना ये कहीं का तो अच्छा बात नहीं है। तो हम लोग इसे काफ़ी उम्मीद ले कर आए हैं मुख्यमंत्री से, कयास उससे करते हैं कि हम लोग का काम करें। कितने अभ्यर्थी हैं? हम लोग इटकी और नगड़ी प्रखंड मिला के 107 अभ्यर्थी हैं। क्या तर्क दिया गया आप लोगों को, क्यों लिस्ट से बाहर किया, क्या कब का ये विज्ञापन, पहले कब का ये बताएं? विज्ञापन 1/16 का है, तो इसमें से 771 का वैकेंसी है, तो उसमें हम लोग को दो प्रखंड नव सृजित है, तो ये कह के विज्ञापन में नाम नहीं है कह के दो प्रखंड को निष्कासित किया गया। अच्छा, तो जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें कहा गया कि आप लोग इटकी और नगड़ी के हैं, तो ये कहा गया कि ये दोनों उस विज्ञापन में नहीं था और आप लोग इसीलिए आप लोगों का निरस्त किया जाता है। लेकिन जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो लिया गया, सारी प्रक्रिया में आपने भाग लिया, क्या प्रॉब्लम आ गई बाद में? देखिए, ये बखूबी जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि क्या है नहीं है, हम लोग से बेहतर वो लोग जानते हैं कि इन लोगों के साथ में हम लोग न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। और ऊपर वाला किसी ना किसी दिन हिदायत देंगे उन लोगों को, तो हम लोग की बात समझ में आएगी। अभी तो हम लोग हक का मांग कर रहे हैं, लेकिन जो भी गलती हुआ विभाग की तरफ से गलती हुआ, तो उसका खामियाजा हमको नहीं चाहिए। ये 6 साल जो हुआ ना मेरा, ये बहुत मुश्किल दौर पर गटकटा है, क्योंकि उसके बाद से हम कोई वैकेंसी अप्लाई नहीं करने सके। नहीं करने के कारण है कि आज युवा बेरोजगार हो गया, बेरोजगार के साथ में हम लोग भुखमरी पर आ गए। और हम लोग के साथ में जब नियुक्ति की बात हुई, 6 साल बाद नियुक्ति की बात हुई की गई, तो वो भी आधा अधूरा। क्यों? एक आंख में आप काजल लगाइएगा, एक आंख में आप सुरमा लगाइएगा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? इस चैनल के माध्यम से आपसे विनती है सर, आप तमाम जितना भी हैं कैंडिडेट, आप सबको कीजिए और सबको हर हाल में करना होगा, नहीं तो इच्छा मृत्यु हम लोग चाहते हैं, आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए। 6 साल जो काटे हैं उससे बढ़िया हम लोग का ये रहेगा कि हम लोग इस दुनिया को छोड़ के ही चले जाएं। आप लोगों का जो समझ सकते हैं, जो धैर्य आप लोगों ने 6 साल नियुक्ति नहीं होना, परीक्षा पास करके, मेडिकल पास करके पास कितना मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल है, ये बताने से नहीं आएगा, लेकिन जिसके अंदर गुजरता है वो बखूबी जानता है कि मुश्किल कैसा होता है। तो हम लोग जो है ना सर, कि हम लोग बहुत निराश हैं, लेकिन हम लोग का आशा, हम लोग मेहनत नहीं छोड़ेंगे। स्थानीय
हैं और हम लोग जिन्विन है। जो 1932 का खतियान है ना, 1932 का खतियान का हम लोग हैं। तो हम लोग अभी सरकार से मिले 3 बार, यही आश्वासन मिला सारा, हर जगह जहाँ भी हम लोग को मौका मिला हम लोग मिले, नहीं मिलने का मौका मिला नहीं मिले, लेकिन यही आशा में और थे कि सरकार आज नहीं तो कल हम लोग आज मुलाकात करने गए थे, क्या बोला गया? आज कैबिनेट का बैठक है, इस वास्ते हम लोग को नहीं मिला, मिलने दिया गया। और अब नहीं कोई समय मिला कि आप मिल सकते हैं, कल मिल सकते हैं? हाँ, हम लोग को 2 रोज के बाद का समय दिया गया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम लोग की मुलाकात हो पाएगी। क्यों ऐसा लगता है? मुख्यमंत्री तो मिल रहे हैं कई और विभागों के अभ्यर्थियों से। देखिए, वो एक दिन हुआ इत्तेफाक, जो उस दिन जिसका किस्मत था मिल गया। अब हम लोग बारिश की वजह से नहीं आने सके थे, हम लोग के भी प्रोग्राम थी आने का, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सर से कि सर एक बार आप जो घोषणा किए थे, आप अपने मुंह से बोले थे ना, उसको आप कर दीजिए। बहुत बहुत उम्मीद के साथ में सारा स्टूडेंट है, अरे 6 साल ना यही उम्मीद से रखा है कि आज नहीं तो कल मेरा नौकरी होगा, क्योंकि वो सारा प्रक्रिया करके आया है सर, ऐसे कोई नहीं आया है। और जो आया है, जो त्रुटि है उसको भी आप जान रहे हैं, उसका भी इच्छा जाहिर पूरा पेपरबाजी हो चुका है। ये सारा जितना भी विभाग है ना, सब जान रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सब अपना आँख को जो बंद करते हैं ना, वो बंद करके और कान भी ऐसे कर लिए हैं, सुन रहे हैं फिर भी अनसुन हो जा रहे हैं। कब होगा कब होगा? आज से चेक हो रहा है, पता नहीं 6 साल में चेक कैसे करते हैं, ये पता नहीं है। एक महिला अभ्यर्थी भी हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है, एक महिला होने के नाते जब चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, आपका नाम उसमें आ गया, परिवार को, गांव को, समाज को आपने बता दिया होगा, फिर 6 साल से नियुक्ति नहीं हो पाई, तो कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो रहा है, हम लोग अभी दूसरा वैकेंसी नहीं भर सकते हैं, और परिवार वाले भी हो गए, उस समय तो परिवार नहीं हुआ था, लेकिन अब तो परिवार भी हो गया, बाल बच्चा भी हो गया, अभी हम लोग क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे और क्या बच्चा को पढ़ाएंगे, तो घर में ही रहना पड़ेगा। तो हम लोग का जो प्रक्रिया अच्छी तरह से सब चीज़ पूरी हो गई है, जब नियुक्ति की बात आई तो इटकी नगड़ी का हटाने का बात हो गया, जब इटकी और नगड़ी नहीं था तो अब उस समय तो पूरा प्रक्रिया तो किए, उस समय तो आप लोगों को तो पता था कि इटकी और नगड़ी का भी प्रक्रिया हो रहा है, जब थाना गया ब्लॉक गया तब तो पता था कि इटकी और नगड़ी है, तब जब क्या बोलते हैं प्रशिक्षण का बात आया तब वो अब बोल रहे हैं कि इटकी और नगड़ी का वैकेंसी में नाम ही नहीं था। तो ऐसा हम लोग तो नहीं किए हैं, हम लोग को तो बेड़ों से ही भरे थे और रातों से भरे थे, अब बाद में अलग किया गया, उसमें हम लोग को क्या गलती है? प्रक्रिया तो हम लोग सब पेड़ों से ही किए हैं, तो हम लोग को तो लेना चाहिए, और आश्वासन भी मिलता है सभी जगह। तो बाद में ये बोला कि चूंकि आप लोग इस प्रखंड से आते हैं, हाँ, बंट गया इसीलिए आप नहीं लेंगे? नहीं, और क्या बोलते हैं, प्रखंड अलग हुआ तो इसमें प्रखंड तो हम लोग आम आदमी तो अलग नहीं किए हैं, तो ऊपर से ही हुआ है, विभाग के द्वारा ही हुआ है, तो सभी जगह तो सभी प्रक्रिया हम लोग सही सभी जगह सही किए हैं, तो हम लोग को तो क्यों नहीं नियुक्ति मिल रहा है, आश्वासन हम लोग। अच्छा, आसपास के लोग जो आप पूछते होंगे, परिवार वाला पूछता होगा, घर वाले, समाज वाले, कि भाई नौकरी हो गया था, नौकरी पे नहीं जा रहे हो, क्या हुआ नियुक्ति का, क्या जवाब देते हैं? होगा होगा बोल के बोलते हैं, आश्वासन हम लोग को मिलता है तब हम लोग बोलते ही रहते हैं कि होगा आज ना कल, होगा होगा बोल के, लेकिन अब हम लोग को सरकार से हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को अब नियुक्ति ही चाहिए, हम लोग के साथ में इंसाफ करना चाहिए उनको, आँख बंद करके बैठे रहने से नहीं होगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, भीख मांगने से भी तो भीख नहीं मिलता है, तो उस लायक भी तो हम लोग नहीं छोड़े, उम्र भी हम लोग का निकल गया, अब एक बच्चा नहीं था, 3 हो रहा है, अब उनको हम लोग कैसे पालें, वो लोग तो अपनी कुर्सी में कर रहे हैं, हम लोग को भी तो चाहिए, जो भी करना है हम लोग को थोड़ा मिलेगा तो उससे परिवार तो हम लोग का संभलेगा ना, परिवार को हम लोग कैसे करेंगे, अभी ना कुछ हम लोग अपना वैकेंसी भी नहीं भर, फॉर्म क्या बोलते हैं नौकरी, अब हम लोग को तो कहीं नहीं मिलेगा, अब 30 साल 40 साल होगा कहाँ से वैकेंसी भरेंगे, भरने के लिए भी तो नहीं दिया जाएगा, तो मुश्किल है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये का कहना है कि
अब आश्वासन नहीं चाहिए बल्कि नियुक्ति चाहिए। दरअसल 2016 में 771 पदों पर होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी, बाद में इसमें कुछ और पद एड ऑन किए गए और ये जो बाकी अभ्यर्थी हैं इन्होंने आपका रातू और बेड़ो से आवेदन किया था, लेकिन बाद में जब प्रक्रिया पूरी हो गई और प्रक्रिया चल रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, तो इन्हें कहा गया कि आप जो बेड़ो वाले हैं वो वहाँ पर अपने उसमें क्या नगड़ी इटकी डाल दें और जो रातू वाले हैं वो उसमें नगड़ी डाल दें। और बाद में ये कहा गया कि चूंकि विज्ञापन जो निकाला गया था 2016 में उसमें ये दो प्रखंड शामिल नहीं थे, इसीलिए आपकी नियुक्ति जो है निरस्त की जाती है, आपको नहीं लिया जाएगा। अब इनका ये कहना है कि वो तो विभागीय गलती है, हम नहीं जानते थे, हमें जैसा करने के लिए कहा गया हमने वैसा किया, अब 6 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, आयु सीमा ऐसी रही नहीं कि हम दोबारा किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें। तो मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने का ये रास्ता है, ये लोग यहाँ खड़े हैं, मुलाकात करने के लिए गए थे लेकिन आज चूंकि एक अहम बैठक मुख्यमंत्री की चल रही है तो इनसे कहा गया कि आज तो मुलाकात संभव नहीं है, किसी और दिन आइएगा। देखना है कि कब इनसे इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है, क्या समाधान निकल पाता है। उम्मीद है कि इनकी भी मांगें उसी तरह से पूरी हो जाएंगी जैसे पुलिस कर्मियों का हो गया या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हो गया या दूसरे विभागों के अभ्यर्थियों का हो गया। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज द फॉलो अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in